हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आ रहा हूँ कि NRA जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो गवर्नमेंट बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने, वो कब से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और क्या 2020 का जो CGL है वो CGL नहीं CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा 2020 में। तो क्या कुछ इन चीज़ों को लेकर आप में बहुत कन्फ्यूज़न है, तो उन सारे कन्फ्यूजन्स को ये वीडियो आपको क्लियर करेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं अपने बारे में। बिफोर मैं आपको इस चैनल पे काफ़ी चीज़ें पढ़ा रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जानते हैं आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए, आपको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने एक बहुत ही अभी एक प्रेस रिलीज़ निकाली है, और उस प्रेस रिलीज़ में क्या कहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम सेप्टेम्बर 2021 ऑनवर्ड्स। यानी कि जो NRA बना रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी वो सेप्टेम्बर 2021 से कंडक्ट कराने की उसकी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो NRA जो है, इसीलिए कहा गया NRA में स्टार्ट कंडक्टिंग द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रुप बी नॉन गैजेटेड एंड गैजेटेड पोस्ट एज वेल एज ग्रुप सी पोस्ट फॉर फ्रॉम सेप्टेम्बर 2021 ऑनवर्ड्स। यानी कि 2021 से आप सेप्टेम्बर 2021 से आपका NRA CET कंडक्ट कराना शुरू कर सकती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन अ रिटन रिप्लाई लोकसभा में उन्होंने सबमिट किया और कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली सेटअप NRA विच विल कंडक्ट CET फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट एंड विल रिप्लेस द टीयर वन एग्जामिनेशन हेल्ड बाई SSC रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल। यानी कि SSC IBPS और RRB के द्वारा जो अभी टीयर वन एग्जाम्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए NRA कंडक्ट कराएगी आपकी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये चीज़ उन्होंने राज्यसभा में रिटर्न रिप्लाई में ये बात कही है। PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन की ब्यूरो की साइट पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उन्होंने क्या कहा है कि NRA विल कंडक्ट द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि सिर्फ प्री की स्क्रीनिंग होगी, इससे प्री एग्जाम होगा, यानी कि टीयर वन एग्जामिनेशन आपका इसके थ्रू होगा। द फाइनल रिक्रूटमेंट विल बी डन थ्रू डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन और टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड बाई रेस्पेक्टिव एजेंसीज सच एस SSC RRBs एंड IBPS। यानी कि सिर्फ टीयर वन आपका जो है NRA के द्वारा होगा, बाकी के जो एग्ज़ाम है वो SSC RRB और IBPS के द्वारा एज इट इज़ होंगे, जैसे होते आ रहे हैं। यानी कि टीयर टू टीयर थ्री आपका वैसे ही होगा जैसे पहले होता आ रहा है। तो टीयर वन आपका NRA करा देगा और टीयर टू टीयर थ्री SSC और RRB, जैसे जो भी आपका IBPS की बात है तो IBPS कराएगा, SSC की बात है तो SSC कराएगा। बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन CET कंडक्टेड बाई NRA कैंडिडेट्स मे अपीयर इन द डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन और टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाई रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। आगे कहते हैं NRA विल ऑल्सो आइडेंटिफाई लैंग्वेज एक्सपर्ट्स टू ट्रांसलेट द क्वेश्चन बैंक और पेपर इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि NRA जो आपका में आपके ट्रांसलेटर्स भी हायर किए जाएंगे, जिसके थ्रू जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सभी रीजनल भाषाओं में होगा। यानी कि पेपर जो होगा CET वो इंग्लिश और हिंदी के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड सब्जेक्ट टू एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑप्टिंग टू टेक टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट CET ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार CET होगा एंड इट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, जैसा आपका टीयर वन अभी होता आ रहा है वैसा होगा। सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग GS जो CGL का आपका टीयर वन का सब्जेक्ट सिलेबस है वही रहने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज दैट थ्रू NRA दे होप टू एलिमिनेट मैल प्रैक्टिसेस दैट टेक प्लेस ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस एंड अदर इशूज सच एज एग्जामिनेशन हैविंग डिफरेंट स्केड्यूल्स एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फीस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि NRA के थ्रू जो मैल प्रैक्टिसेस होती हैं एग्जाम में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वो चीज़ें में दूरी होगी और जो आपका शेड्यूल वगैरह लेट हो जाता है वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तर्क है अभी NRA को लेकर। और इसका मतलब हमें ये समझ में आया, इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि सेप्टेम्बर 2021 से आपका होगा और CGL 2019 जिसका नोटिफिकेशन 2020 जिसका नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी पेंडिंग है, यानी कि वो बहुत ही जल्द आ जाएगा थोड़े दिनों के बाद, और वो एग्ज़ाम आपका मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में बहुत आराम से कंडक्ट हो जाएगा 2021 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि CGL 2020 जो है वो आपका NRA नहीं कंडक्ट कराएगा। फिर से मेरी बात सुनिए, आई रिपीट, CGL 2020 NRA नहीं कंडक्ट कराएगा, CGL 2020 NRA नहीं कंडक्ट कराएगा। तो जितने भी बच्चे CGL 2020 वाले हैं वो एज इट इज़ अपनी पढ़ाई जारी रखें, उनका पेपर बिल्कुल वैसा ही होगा। 2021 का जब CGL होगा
उसमें सीईटी होगा, लेकिन वो भी सिर्फ टीयर वन के लिए होगा। तो अभी दिल्ली दूर है, अभी आप लोग जो भी सीजीएल 2020 वाले एस्पायरेंट हैं वो मन लगा के पढ़ाई करो, जैसे कर रहे थे वैसे करिए, आपका सीईटी नहीं होने वाला है। ये चीज़ यहाँ से क्लैरिफाई होती है कि सेप्टेम्बर से होगा, तो इसका मतलब उसके पहले हमारा सीजीएल बहुत आराम से कंडक्ट हो जाएगा, एंड इट मे ऑल्सो लेट, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है ऐसा हो सकता है, आगे भी डिले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है पीआईबी की जो आपकी रिपोर्ट है वो आप देख सकते हो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ उन्होंने कहा है, आप इसे पढ़ सकते हो पीआईबी की वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है कि कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराएगी, कैसे कंडक्ट कराएगी, सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो आप इसको जाके पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी पर मुझे पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसके लिए रेफरल कोड नोट कर लो AMANT। ठीक है, ये मेरे कोर्सेज हैं जो कि आपके अक्टूबर मंथ में आने वाले हैं। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है, वो पढ़ सकते हैं। एसपी बख्शी समरी है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की, लूसेंट की समरी है पॉलिटी की, पैराजंबल्स का आपका का कोर्स है जिसमें आपको पैराजंबल्स पढ़ने को मिलेंगे, क्लोज टेस्ट का कोर्स है जिसमें क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम प्रैक्टिस करेंगे, एरर डिटेक्शन का कोर्स है जिसमें एरर डिटेक्शन करेंगे, और 1000 idioms का कोर्स है। ये सारे कोर्सेज आप अक्टूबर मंथ में देख सकते हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड नोट कर सकते हैं, और जो आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे दर्ज करा सकते हैं, आने वाली वीडियोस में मैं उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।